हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल शालू ऑल इन वन में एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ट्रिक जो कि काफ़ी फायदेमंद रहेगी इन बारिशों के दिनों में। देखिए, ये सूजी से रिलेटेड है क्योंकि हमारे लोगों के घरों में इकट्ठी ही घर के अंदर सब सामान मंगाया जाता है, जिसमें सूजी के पैकेट्स हो गए, तो उनको कैसे रीस्टोर किया जाता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये मैंने लिया है 500 ग्राम सूजी का पैकेट जो कि है आधा किलो। और देखिए इसको मैं किस तरीके से रीस्टोर करती हूँ, जो कि मेरी मम्मी का बताया हुआ है और जो वो आज इस दुनिया में नहीं है, 2 महीने पहले उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके रूल्स हम आज भी फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए तरीके आज भी हम अपनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आधा किलो का पैकेट मैं किस तरीके से रीस्टोर करती हूँ ये आज आपको बताती हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई जो कि बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ऑयल कोई घी नहीं होना चाहिए, और फिर हमें उसके अंदर डाल देनी है सूजी। सूजी डाल के फिर हमें उसको भूनना है। तो मैं इस पैकेट को पहले काट के इसके अंदर डालती हूँ और फिर आपको बताती हूँ वो किस तरीके से भूनी जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमने पैकेट खोल लिया है और अब इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है। इसे हमें बिल्कुल मीडियम गैस के ऊपर ही भूनना है, ये देखिए बिल्कुल मीडियम गैस पे, और इसे हमें बिल्कुल चलाते रहना है ताकि ये तले में लगे ना, और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है लगातार ताकि ये बिल्कुल भी कढ़ाई के तले पे लगे ना। और इसे भूनते हुए हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे और फिर हमें उसे भून के आपको बताना है कैसे उसको रिस्टोर किया जाता है। तो पहले हम इसे अच्छी तरीके से भूनते हैं चलाते हुए। तो देखिए दोस्तों, हमारी सूजी 5 से 7 मिनट हो गए हमें चलाते हुए, इसे कितनी अच्छी तरीके से ये भून चुकी है और ये इस तरीके से ही लाल हो जाएगी चलाते हुए। और देखिए ये बिल्कुल भी तले में नहीं लगी है, ये हमने सूखी बिल्कुल भूनी है, और इसको आप भून के इस तरीके से ही रिस्टोर करके रख सकते हैं और ये बारिशों में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा इसके अंदर। और देखिए दोस्तों, इसको भूनने के बाद में हमें एक एयर टाइट कंटेनर या कोई डब्बा हो उसके अंदर रखनी है जो कि उसमें हवा ना जा पाए। और देखिए दोस्तों, इसको भूनने के बाद में हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद में इसको हमें उसके अंदर भरना है। तो देखिए, इसको पहले हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं और फिर इसे हम लोग ठंडा करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से इसको रिस्टोर करना है। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक चौरस डब्बा है और इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो के सुखा लिया है और अब इसे हमें पोंछ लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। और ये बहुत अच्छी तरीके से सूख चुका है, फिर भी एक बार आप इसमें कोई भी किचन टावल से आप इसे पोंछ लें और फिर इसके अंदर ये सूजी को ठंडा होने के बाद में भरें। देखिए, ये हमारी सूजी बिल्कुल अच्छी तरीके से भुनी हुई है और ये सुनहरे रंग की है और इसे हमें अब इस डब्बे के अंदर भर लेना है। ये ठंडा होने के बाद में ही हमें भरना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके अंदर रखी जाए और फिर इसे अच्छी तरीके से हमें टाइट करके बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, ये मैंने सूजी भर ली है अपने डब्बे के अंदर और अब इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से बंद करके रख दूंगी टाइट से, ताकि ये बिल्कुल भी इसमें एयर ना जाए और ये बहुत काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये मेरा तरीका जो कि मेरी मम्मी का बताया हुआ है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए रेसिपी के साथ या एक कोई नई ट्रिक के साथ। उसी के साथ धन्यवाद।